सो टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे कॉमेट के टॉप 20 कॉलेजों की राउंड वन की कट ऑफ। सो आइए शुरू करते हैं। ये जैसे बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MS समैया इंस्टीट्यूट, BMS एंड RV, ये एक पूरी PPT है जिसमें मैंने राउंड वन की सारी कट ऑफ लिखी हुई है। सो पहले RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पे आते हैं, हम पेन ले लें, 157 जिसकी गई है कंप्यूटर साइंस, IT जिसकी 264 गई है, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस गई है 188 एंड IT इसकी गई है 462। मैंने सारे कॉलेजों की केमिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक नहीं करा है, मैंने सिर्फ टॉप 5 या टॉप 6 कॉलेजों की नीचे तक की ब्रांच का लिया है, जो मैं कहता हूँ थोड़ा सही है कि आप नीचे तक ले सके, बाकी टॉप 20 तक आते थे मैं ECE तक ही आपको कंसिडर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे आप देख सकते हैं। MS समैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस है इसकी 379, IT है 689, ECE 911 एंड EEE 1957 इसकी मैंने क्या मैकेनिकल तक लिख रखी है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक एंड मैनेजमेंट, जो BMS IT पहली बार टॉप 5 में आ रहा है, पिछले साल से ऊपर नीचे जा रहा था 6-7, इस बार टॉप 5 में आया है कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ की वजह से, जो 958 गई है, IT की 2534 गई है। यहाँ पे आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग, ये एक नई ब्रांच है जो रिलेटेड टू कंप्यूटर है, जो इंट्रोड्यूस हुई है कई कॉलेजों में, मतलब ये आप अगर आपको ये ब्रांच मिलती है तो आप पहले बैच होगा, इसके पीछे आपका पहले कोई बैच नहीं है तो आप फर्स्ट बैच होगे, जो कुछ कॉलेजों में ब्रांच इंट्रोड्यूस करी गई है और इसकी भी कट ऑफ थोड़ी हाई गई है। आगे बढ़ते हैं, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी कंप्यूटर साइंस गई है 1438, IT 2323, ECE 4052, EEE 6404। सो कुछ कॉलेजों की मेरे को कट ऑफ मिली हैं, कुछ की नहीं मिली, और इस सोर्स क्या है इन कट ऑफ का वो मैं डिस्क्रिप्शन में एक PDF दे रखी है, वो है, ये PDF मेरे को ऑफिशियल वेबसाइट से मिली है कॉमेट के। सो वहाँ पे आप देख सकते हैं GSS साइंस एंड टेक यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस है 2023 एंड IT गई है इसकी 2100 के अराउंड एंड ECE गई है 308 103। सो आगे बढ़ते हैं सर, MS समैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी कंप्यूटर साइंस गई है 2530, IT गई है 2900, इट्स काइंड ऑफ 3K अप्रॉक्स गई है, ECE गई है आपकी 5000 के अराउंड एंड ट्रिपल ही गई है आपकी 13000 एंड टेलीकॉम भी 13000 के अराउंड गई है। हाँ मैं एक बात और बता दूँ, ये राउंड वन की कट ऑफ है सर, मतलब राउंड वन की कट ऑफ से ये है कि आपको एक अंदाज़ा सा लग जाएगा जो अगले साल का बैच आ रहा है 2021 का, कि उनको अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट कैसे भरनी है। इन कट ऑफ को देख के आप पता कर सकते हैं कि आपको अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट कैसे भरनी है, कि कौन से को पहले पे रखना, कौन से को तीसरे पे रखना, कौन से को फोर्थ पे रखना है, बिकॉज इस बार हमने ओवरऑल कट ऑफ देख के अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर भरी थी एंड जब रिजल्ट आया तो बड़ा शॉकिंग था, क्यों भाई इतनी कंप्यूटर साइंस इतने नीचे, सागर ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस भी आपको 1600 तक मिल रही है, जबकि ओवरऑल कट ऑफ इसकी 5000 या 4000 के अप्रोक्स गई थी, ओवरऑल कट ऑफ थी जो हमने लास्ट ईयर देखी थी। मैं राउंड वन की दे रहा हूँ, राउंड टू की रिलीज़ होगी तो मैं उसकी भी PPT बनाऊँगा। ये मैंने इसलिए बनाई उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास मतलब टाइम नहीं है कि इतनी बड़ी 44-47 पेज की PDF और उसमें आपको बिल्कुल एक लाइन टू लाइन देखना है कि अच्छा ये है इसकी कट ऑफ, ये है इसकी, मैंने काम आसान कर दिया, मैंने पूरी PDF पढ़ी ध्यान से और टॉप 20 कॉलेजों को डिस्टिंग्विश करा और उनके हिसाब से उनकी टॉप 3 ब्रांचेस की मैंने कट ऑफ यहाँ पे दिख दी है। इसको आपको बहुत आसानी होगी, वीडियो छोटी होगी जिसके अंदर आपको सारी कट ऑफ के बारे में पता चल जाएगा। सो दयानंद सागर में भी जैसा आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग भी आई हुई है, ये एक नई ब्रांच यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो MS समैया में क्यों नहीं आई, क्योंकि एक नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है पहली बात, तो अगर आप कहीं पे भी जाके पढ़ेंगे तो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज मतलब
ये कॉलेज थोड़े धीरे होते हैं अपने करिकुलम के हिसाब से। दयानंद सागर एक ऑटोनॉमस कॉलेज है जो मतलब अपडेट रहते हैं इनका करिकुलम। सो यहाँ पे जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखती है, यहाँ पे शायद अगले साल दिख जाए, बाकी सारे के आप कट ऑफ देख सकते हैं। नीटी मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की कंप्यूटर साइंस का ये है 30401-4695 IT की गई है। ECE की गई है 7000 के अराउंड, EEE की गई है आपकी 1500 के अराउंड। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, और इसलिए इसकी भी कट ऑफ बहुत ऊपर गई है 2824। IT तक की कट ऑफ 3000 को टच कर गई, ECE 4000 एंड EEE 10000 के अराउंड गई है। RNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रांच कंप्यूटर साइंस 4500-12 IT 5000 के अराउंड गई है। आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग आपकी गई है 5000 के अराउंड। CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी ब्रांच है मतलब कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है हम कंसीडर कर रहे हैं 6000, IT 7000 और ECE। यहाँ पे मैंने ये थोड़े कॉलेज हम नीचे के आ गए तो इसलिए मैंने यहाँ की बस इनकी EEE तक लिखा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आप यहीं इसके लिए और बेंगलोर में रहते हैं यही ब्रांच मैटर करेगी और कोई सिविल मैकेनिकल ब्रांच इतना नहीं प्लेसमेंट्स देंगी जो ये ब्रांच दे सकती हैं अगर आप इनमें होंगे, क्योंकि कंपनी आपको तभी पार्टिसिपेट करने देंगी जब इन ब्रांचों के। सो PNM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ गई है 5240, IT की कट ऑफ गई है 6614, आर्टिफिशियल जो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल गई और जिसकी कट ऑफ गई है 8000 के अराउंड। सो आर्टिफिशियल कई कॉलेजों में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। फिर आते हैं सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तुमकुर, कंप्यूटर साइंस गई है इसकी 3498, IT गई है आपकी इसकी 4000 के अराउंड, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे आप डिमांड देख सकते हैं जो 4000 के अराउंड ही गई है जबकि वो IT से ऊपर गई है। सो एक नई ब्रांच है जो लॉन्च हुई है, ECE आपकी इसकी 6000 के अराउंड एंड रेस्ट यू कैन सी। नेक्स्ट GSS अकेडमी ऑफ एजुकेशन, GSS एक हमने पहले भी देखा था, ये GSS का दूसरा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा जब आप प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट भर रहे हो। GSS एकेडमी अलग है, GSS साइंस वाला अलग है ना। इसकी कंप्यूटर साइंस गई आपकी 7216, ये सिर्फ राउंड वन की कट ऑफ है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूँगा, दोबारा बोल चुका हूँ यार, राउंड वन की कट ऑफ है, प्लीज़ ध्यान देना। IT गई है 8961, ECE गई है 15000 के अराउंड। क्राइस्ट एक बहुत ही फेमस कॉलेज, नाम तो सबने सुना है, कंप्यूटर साइंस गई है 7000, यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस हो चुकी है, क्राइस्ट में भी 9000 के अराउंड इनकी गई है कट ऑफ। फिर आते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिनकी कंप्यूटर साइंस गई है 8000, IT गई है आपकी 10000 और बाकी आप देख सकते हैं। आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउंड वन कट ऑफ, कंप्यूटर साइंस 9000, IT 11000 एंड ECE 6000। नेक्स्ट सेकंड लास्ट कॉलेज आपका नमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी राउंड वन की कट ऑफ गई है कंप्यूटर साइंस की 9000, 12000 के अप्रोक्स गई है IT की। यहाँ पे भी आप आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग आ चुकी है अब टॉप 20 कॉलेजों में, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आ चुकी है 11000 के अराउंड। KLE इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुबली, इसकी मेरे को IT की कट ऑफ नहीं मिली, PDF में नहीं दे रखी थी, जो ऑफिशियल वेबसाइट ने जो PDF लॉन्च करी है उनने नहीं दे रखी थी, मे बी एक्सपेक्ट करेंगे राउंड टू में हमें इसकी मिल जाए, और राउंड टू की भी मैं PET पावर पॉइंट PPT बना के जरूर रखूँगा जिससे आपको आसानी हो। कंप्यूटर साइंस है 16000 एंड ECE गई है 13300। थैंक्स यार फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना।
और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। राउंड टू की कट ऑफ निकलते ही मैं उसकी भी बना दूंगा। एंड थैंक यू गाइस।